कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 दिसंबर को अपने पुराने गढ़ अमेठी से चुनावी बिगुल फूंका। अब बीजेपी भी अमेठी की जनता को लुभाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि सांसद स्मृति ईरानी भी बैक टू बैक यहां का दौरा कर रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को भी केंद्रीय मंत्री पहुंची और सीएम योगी के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया, साथ ही 200 बेड के रेफरल अस्पताल का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री से लेकर सीएम योगी दोनों ने ही कांग्रेस और गांधी परिवार को जमकर लताड़ लगाई। इस जनपद को एक सपना दिखाया गया कि जनपद की जमीन उस परिवार के सुपुर्द कर दी जाए और वो खानदान इस जनपद को एक मेडिकल कॉलेज बनाकर देगा। इन 40 सालों के अंतराल में किसानों से जमीन ली गई, यह आश्वासन देते हुए कि वो एक खानदान जनपद के किसान को हरित खेत, उज्जवल भविष्य देगा। 50 साल के उनके एक छत्र राज में आज आपकी बहन होने के नाते गर्व से सर ऊंचा करके कहती हूं कि अमेठी के इतिहास में पहली बार 3 लाख किसानों के बैंक के खाते में सालाना अगर 6,000 रुपया किसी ने पहुंचाया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया। लोगों को आजादी के बाद देश की सत्ता सौंपी थी, मलिक मोहम्मद जायसी की ये बात अगर उनके दिमाग में आई हुई थी होती तो संभवतः हिंदू और हिंदुत्व में भेद नहीं करते। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने विभाजनकारी राजनीति को सदैव अपनाया, विघटन और विभाजन जिनके जीन्स का हिस्सा है, भाइयों बहनों, जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। यह उनकी मजबूरी है, यह उनकी मजबूरी है।